नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कॉरूगेटेड बॉक्स में लगने वाली वायर कितने प्रकार की होती है। वैसे तो वायर चार तरह की होती है, 12-25, 13-25, 14-25 और 17-25, लेकिन ज़्यादातर दो प्रकार के वायर ही हम डब्बे को सिलने में यूज करते हैं, एक 13-25 और दूसरा 14-25। 13-25 की वायर हम छोटे डब्बे को सिलने में उपयोग करते हैं, जो थोड़ी पतली होती है, 3 प्लाई की होती है, जैसे जूते के डब्बे। और बड़े डब्बे को सिलने के लिए हम 14-25 की वायर यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 13-25 और 14-25 की वायर में क्या अंतर होती है। ये दोनों जो आप कॉइल देख रहे हैं, इसमें से एक 13-25 की वायर है, एक 14-25 की वायर है। मैं दोनों वायर से स्टिचिंग करके आपको बताऊंगा कि दोनों वायरों में स्टिचिंग में क्या अंतर होती है। ये जो फर्स्ट वाला वायर है, ये 13-25 है और ये 14-25 है। अभी मैं सिलाई करके बता रहा हूँ। ये 13-25 की वायर से सिलाई हो रही है, अब मैं इसके बाद बताऊँगा 14-25 की वायर से सिलाई करके। ये 13-25 की वायर से सिलाई हो गई है, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पिन लगाते हैं। अब मैं 14-25 की वायर से सिलाई करता हूँ। ये अब 14-25 की वायर से सिलाई हो रही है, फिर मैं बताता हूँ आपको ये दोनों में क्या अंतर होती है, कितना डिफरेंस होता है। ये जो नीचे वाले वायर की स्टिचिंग आप देख रहे हैं, ये वाली 13-25 से लगी हुई है, ये वाली 13-25 की वायर से लगी हुई है, नीचे वाली सारी लाइनें। और ये जो है ऊपर वाली, ये 14-25 की वायर से लगी हुई है। बस हल्का सा अंतर होता है दोनों में, ये हल्की मोटी होती है ऊपर वाली 14-25 की। मैं इसको अब नज़दीक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये 13-25 और ये वाली 14-25, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, 13-25 की 3 प्लाई पे और 14-25 की 9 प्लाई 7 प्लाई पे होती है। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों वायर के स्टिचिंग में क्या अंतर होती है। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।